साथियों आपको मेरा नमस्कार। स्वास्थ्य प्रेमियों, आजकल बेल फल आ रहा है। बेल जो है उसकी पहचान ये है कि कागजी हो, भारी हो। भारी होने से अंदर फंगस नहीं होती और वो डिजनरेशन उसके अंदर नहीं होता। फ्रेश हो, ताजी हो और देखने में हल्का सा पीलापन हो, बिल्कुल पीलापन भी ज़्यादा ना हो, तो ये चाहिए हमें बेल का शरबत बनाने के लिए। और एक छलनी चाहिए हमें, और एक भगोना चाहिए, और दूसरा एक भगोना और चाहिए। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि वैसे आपको पहले बता दूं बेल का फ़ायदा क्या है। बेल हमारे पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कब्ज, गैस, एसिडिटी, बिल्कुल रामबाण की तरह काम करता है। और क्योंकि बेल के फाइबर्स बेल में बड़े अच्छे होते हैं, और ये जो फाइबर्स हैं ये हमारी आंतों में जूने का काम करते हैं, आंतों को साफ करने का काम करते हैं। हार्ट डिजीज़ के लिए अच्छा है बेल, और विशेष रूप से ताकत के लिए आजकल के दिनों में उसके लिए बहुत अच्छा है। और गर्मी और लू के दिनों में तो बेल का जवाब नहीं है। भगवान शंकर पर चढ़ाया जाने वाला फल बेल शायद विषनाशक है, इसीलिए हमारे शरीर से प्रतिविष्करण का काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। मैं आपको बताऊंगा कि बेल का हम प्रयोग कैसे करें, कि जिससे कि बेल को हम का शरबत कैसे बनाएं। इसके लिए जो साधन है हमारे पास, एक चम्मच चाहिए, बेल चाहिए, ये चाहिए। तो बेल को सबसे पहले तोड़ लेते हैं। किसी भी साधन से हम तोड़ सकते हैं बेल को। बेल को ऐसे भी, ये बेल को तोड़ने के बाद इसको देखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास पीली बेल है ये। और इसको चम्मच से हम इसको निकाल लेते हैं, इसके गुदे को। हमने इसको गुदे को निकाल लिया। ये चम्मच से निकालने के बाद पूरे को गुदे को निकाल लेते हैं चम्मच से। बीज को भी निकालना होता है इसमें। यदि इसको आप मिक्सी से पीसेंगे तो एक प्रॉब्लम आती है कि मिक्सी में बीज भी पीस जाते हैं, उसका कड़वापन आ जाता है। हालांकि बीज के चारों तरफ का चिकनाहट बड़ा फायदेमंद होता है बेल के लिए, हमारे शरीर के लिए। इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं। साथियों ध्यान रखना कि नाखून आपके कटे हों, नाखून आपके ना बढ़े हों, ऐसे में क्योंकि नाखून की गंदगी इसमें आ जाती है। हाथ से इसको हम प्रयोग करते हैं, इसको अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं, चला लेते हैं हाथ से। अच्छी तरह मैश करते हैं तो देखते हैं बहुत कम पानी लेते हैं शुरू में, क्योंकि 3-4 बार पानी लेना होता है। तो अच्छी तरह से मैश करने के बाद इसको जो छलनी स्टेनलेस स्टील की है, इस छलनी के नीचे भगोना रखा हुआ है और इसमें इसको डाल देते हैं। और डालते हैं तो इसको हम यहाँ से हाथ से ऐसे करके इसको निकाल लेते हैं नीचे। ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है, बड़े आसान है। 5 मिनट के अंदर बेल से उसका जो गुदा से उसका जो एक्सट्रैक्शन है, उसका जो रस है वो निकल आता है। बाज़ार का शरबत कोशिश करें ना लें, बाज़ार में पानी कैसा होता है क्या होता है। पूरे परिवार के लिए एक बार बना के रख सकते हैं इसको। ये फिर से इसको हमने पानी के साथ घोला और इसको छलनी के थ्रू इसको निकाल लेते हैं अंदर। दो तीन चार बार के में ये सारा का सारा इसमें से गुदा अपना रस को छोड़ देता है और पानी के साथ मिक्स होकर नीचे आ जाता है। फिर से एक बार इसमें थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं, और मिला के फिर हमने इसको इकट्ठा करके इसको हम यहाँ से इसको दबा के निकाल लेते हैं। तो साथ ही हमने एक बेल ली थी और उसका जो गुदा से हमने उसको रस को निकाला, और आप देख रहे हैं कि मात्र कितना ये गुदा बचा हुआ है। तो इसको आप फिर से पानी से बाद में निकाल के इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास एक बेल से लगभग 2-3 गिलास पानी हमारे पास आ गया है। और इसका सेवन जब करते हैं तो बैठ के इसका सेवन करना चाहिए। ये इसका तैयार हो गया, दो गिलास पानी इसके अंदर से आ गया, 2 गिलास रस निकल गया। ये गाढ़ा है, इसको चाहे तो पतला कर सकते हैं। बच्चों को इसको देना है तो बच्चों को छान के दें, क्योंकि बच्चे शुरू में फाइबर्स बच्चों को मुंह में जाते तो अच्छा नहीं लगता बच्चों को। इसका नियमित रूप से गर्मियों में सेवन करें, 1-2 गिलास ज़रूर सेवन करें। आपको लाभ मिलेगा, आपको स्वास्थ्य मिलेगा, आपको सुख मिलेगा। क्योंकि स्वास्थ्य है तो सबसे पहला जो जीवन का सुखी रहने का साधन है। जो स्वस्थ तन है तो तन स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, जीवन सुखी रहेगा। इसका प्रयोग करें।
बहुत अच्छा मिठास इसके अंदर है। साथियों, आप बेल का प्रयोग जरूर करें, लेकिन ध्यान रखें बरसात के दिनों में इसका प्रयोग ना करें। चैत्र शुरू होते के साथ ही, नवरात्र शुरू होते के साथ ही, उससे पास 10-15 दिन पहले और बाद में 10-15 दिन से बेल मार्केट में दिखाई देनी शुरू हो जाती है। और देखिए, फल के साथ एक विशेष बात यह भी होती है कि फल हमारे आसपास के क्षेत्र का होना चाहिए। जहाँ हम रहते हैं 15-20-30-50 किलोमीटर की दूरी में वो यदि पैदा होती, उसकी पैदावार होती है तो बहुत अच्छा, स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। तो बेल हमारे आसपास पैदा होता है और इसका रिलीजियस तो इसका महत्व है ही। साथ में मैंने आपको शरीर के लिए इसको कितना अच्छा है इसको मैंने बताया। इसका प्रयोग करें और जीवन को सुखी, स्वस्थ और सुंदर बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।